कैसे हो दोस्तों। मोदी सरकार का एक और कारनामा लेकर आया हूँ। गुजरात में एक सेमीकंडक्टर कंपनी लगने वाली है। उस कंपनी की कुल लागत है $2.5 बिलियन। $1 बिलियन में $100 करोड़ होते हैं। तो सरकार ने और उस कंपनी को $2.5 बिलियन की वो कंपनी लगने वाली है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर मतलब वो इक्विपमेंट जो हमारे मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट में, सैटेलाइट में जो काम आते हैं, वो जो हमारे मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, हमारे कॉल यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सरकार ने उस $2.5 बिलियन की कंपनी को $2 बिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। मतलब करीब 80% एक विदेशी कंपनी को सरकार ने सहायता प्रदान की है ताकि वो कंपनी जो है भारत के 5,000 युवाओं को रोज़गार दे सके। मतलब गुजरात के 5,000 युवाओं को। अब $2 बिलियन को अगर 5,000 से हम डिवाइड करें तो पता चलता है एक नौकरी हमें 3.25 करोड़ की पड़ी है। ये क्या मूर्खपना है। अगर आप युवाओं को उसी तरह 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए, वही 5,000 युवाओं को अगर आप लोन की तरह दे दोगे तो वो अपने आप में एक व्यावसायिक बन सकते हैं, एक उद्योग खुद का खड़ा कर सकते हैं, एक व्यापार खुद का खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सरकार एक विदेशी कंपनी के लिए उसे $2 बिलियन की सहायता राशि दे रही है, मतलब 80% सहायता राशि दे रही है ताकि वो भारत के 5,000 युवाओं को नौकरी दे सके। अब आप एक मोटा मोटा एवरेज हिसाब लगा लीजिए कि एक व्यक्ति 3.25 करोड़ का, एक नौकरी 3.25 करोड़ की पड़ रही है। अब एक व्यक्ति का एवरेज आप 50,000 रुपये तनख्वाह लगा लिए तो एक साल की तनख्वाह 60,000 होती है, 10 साल की 6 लाख होती है, और वैसी अगर 30 साल की नौकरी लिए तो केवल 18 लाख होती है। और अगर प्रति व्यक्ति प्रति तनख्वाह हम 1 लाख के एवरेज के हिसाब से निकालेंगे तो एक साल की 12 लाख होती है और 10 साल की 1.20 करोड़ होती है और 20 साल की 2.40 करोड़। मतलब अगर 20 साल तक का सरकार ने 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति भी नौकरी, मतलब उसका पेमेंट माना तो भी वो 3.25 करोड़ से कम होता है। ये जो पैटर्न देखने को मिलता है ये सभी सरकारों में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा होता है वो राजनीतिक पार्टियों का, राजनेताओं का, प्रशासकों का और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों का होता है फ़ायदा। इसीलिए इन्हें सब्सिडी के नाम पर जनता के टैक्स का पैसा बेतहाशा इस तरह बहाया जाता है, जिस पर हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है।